ओके गाइस, सो सॉरी फॉर द डिले. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लेट हो गया मैं. एक्चुअली मैं काफी पहले ही आ गया था, बट नो थोड़ा सा मैं मोबाइल पे काम कर रहा था, एक इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया. तो आज का प्रॉब्लम, टॉपिक है हमारा MCQ 24, बिजनेस एथिक्स एंड CSR का क्वेश्चन नंबर 2, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. दिसंबर 22 में ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड आई होप कि ये इस वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. दो यहाँ पे नए टर्म है ओके एक्चुअली, टेलियोलॉजिकल एंड डियोन्टोलॉजिकल. तो इसको थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं. हालांकि ये बहुत ही जनरल सा यस व्यू है, मतलब एक तरह का डेफिनेशन है, थ्योरी है जो कि एथिक्स में इस्तेमाल होता है काफी ज्यादा. बट इन जो वर्ड्स है, इन सब का यूज जो है बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, रेयर. लेकिन हाँ, जहां पे ओके भी एथिक्स की बात होगी वहां पे ये सारे वर्ड्स जो है वो आएंगे. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन्हीं दो टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और ये किस तरीके से बिजनेस एंड एथिक्स में, मतलब बिजनेस में ये किस तरीके से एथिक्स के रूप में काम आता है. ठीक है, चलिए यस फिर स्टार्ट करते हैं. टेक्नोलॉजिकल सॉरी टेलियोलॉजिकल मोरल सिस्टम है ना. तो एक तरह का मोरल सिस्टम है जो कि टेलियोलॉजिकल जो मीनिंग है वो यहाँ पे बताया गया है. कॉन्सिक्वेंटलिज्म, जो भी चीजें हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, तो उसी को लेकर के एक जो है एक कॉन्सिक्वेंटलिज्म एक शब्द है, जो कि एक तरीके से सिद्धांत आप बोल सकते हो. सिद्धांत है कि आप जो भी एक्शंस लोगे उसका असर जो है उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, और जो भी आप एक्शंस लेने वाले हो वो मोरली सही होना चाहिए. ठीक है, तभी वो जो है कामगर होगा. ओके ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, इसको पढ़ते हैं समझ में आएगा. द टेलियोलॉजिकल मोरल यस सिस्टम ऑल्सो नोन एज कॉन्सिक्वेंटलिज्म फोकसेस ऑन द आउटकम्स. ठीक है ना, इसका फोकस होता है मेनली आउटकम्स के ऊपर या कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर ऑफ एक्शंस टू डिटरमाइन देयर मोरल वर्थ. है ना, ये एक तरह से मतलब जो भी आप एक्शंस ले रहे हो वो मोरली कितना सही है, वो मोरली उसकी कितनी वैल्यू है, वो आपको तब पता चलेगा जब उसका कॉन्सिक्वेंस समझ में आएगा, जब उसका आउटकम निकल करके आएगा. है ना, तो जब आप इस चीज के ऊपर ध्यान यस देते हो कि जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो भी आप डिसीजंस वगैरह ले रहे हो, उसका जो मोरली है उसकी क्या वैल्यू है, उसका असर जो है आपके बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, और जो एट द एंड उसकी आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आती है, वही हमारा टेलियोलॉजिकल मोरल सिस्टम. आप जिस मोरल बिलीफ, जिस मोरल सिस्टम के तहत आप अपने डिसीजंस को लोगे वो हमारा ये कहलाएगा, है ना, टेलियोलॉजिकल मोरल सिस्टम. इन टेलियोलॉजिकल मोरल इन टेलियोलॉजिकल एथिक्स द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन इज जज्ड बाय इट्स रिजल्ट्स. देखो वही बात बोली गई है कि जो भी आप डिसीजंस लोगे उसके बेसिस पे आपका जजमेंट होगा, जो मोरालिटी है आपके एक्शन का कि वो सही था या गलत था उसको जज किया जाएगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेलियोलॉजिकल एथिक्स. है ना, आपके जजमेंट आपके डिसीजंस को जज किया जाएगा. और द एंड इट अचीव्स, और जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो उसका जो एंड आउटकम है वो क्यों निकल करके आ रहा है उसके बेसिस पे फिर आपको जज किया जाए. है ना, यस डॉग्स काफी बार्किंग कर रहे यस हैं. ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ टेलियोलॉजिकल मोरल सिस्टम इज दैट द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल बैलेंस ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, तो जो सेंट्रल आइडिया है टेलियोलॉजिकल मोरल सिस्टम का वो ये है कि कोई भी डिसीजन जो है आपका राइट या रॉन्ग डिपेंड करेगा ओवरऑल जो आपका बैलेंस है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव उसका कॉन्सिक्वेंस पड़ता है उसके ऊपर जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका डिसीजन सही था या गलत था. मतलब कॉन्सिक्वेंस अगर नेगेटिव हुआ, अगर उसका असर जो है गलत पड़ा, तो इसका मतलब जो आपने डिसीजन लिया था वो गलत था, जो आपका एक्शन था वो रॉन्ग रॉन्ग था. है ना, सो टेलियोलॉजिकल इज लाइक दे आर जजिंग योर एक्शंस एंड योर जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ ऑफ अ क्या बोलेंगे, वेल प्रूव्ड जो है सिद्धांत. है ना, कॉन्सिक्वेंटलिज्म बोला जा रहा है उसको, कि जो भी आप एक्शंस लोगे उसके उसका असर जो है, ओवरऑल असर जो है वो क्या होगा उसके बेसिस पे जो है आपके एक्शंस को सही या फिर गलत बताया जाएगा. ठीक है, द मोस्ट वेल नोन टेलियोलॉजिकल मोरल थ्योरी इज यूटिलैटरलिज्म. यूटिलैटरनिज्म है ना, दोनों तकरीबन सिमिलर वर्ड्स है. तो यूटिलैटरनिज्म का मतलब क्या है कि आप जिस चीजों को, मतलब एक तरीके से आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आप अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग आप पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है, मैक्सिमम जो उसका आउटपुट है वो पॉजिटिव निकल करके आए.
है ना, पर जरूरी नहीं है, आउटकम तो कुछ भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स आल्सो ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट दैट इज अ डिफरेंट इश्यू. बट आपको जो है ध्यान देना है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो मोरली वो जो है सही होना चाहिए, है ना. तो जो मोर जो जो वेल नोन यहाँ पे टेलोलॉजिकल थ्योरी है वो है यूटिलैटरलिज्म, विच सजेस्ट दैट द एथिकल कोर्स ऑफ एक्शन इज द वन दैट मैक्सिमाइजेस ओवरऑल हैप्पीनेस और यूटिलिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, है ना. मतलब जो आप एक्शन लोगे वो एक्चुअली लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा और वो उनकी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करेगा. मैं सपोज कोई फोन लेना चाहता हूँ और मुझे कोई फोन लेकर के थोड़ी सी खुशी मिलेगी, और मेरा अगर जो पसंदीदा फोन है अगर वो मुझे मिल गया तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, है ना. लेकिन आपका जो डिसीजन है फोन को बाय करने का वो सही है या गलत है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास उस चीज को बाय करने के पैसे हैं या नहीं है. मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई. आपका जो डिसीजन है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ फोन बाइंग को लेकर के, कि जो आपका डिसीजन है फोन को बाय करने का वो सही है या गलत वो उसके आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगा. आपने सपोज फोन बाय कर लिया, विच मे बी अ गुड थिंग फॉर यू बिकॉज यू मे यूज इट फॉर योर यू नो जो भी काम के काम होंगे आप उसमें अपना फोन का इस्तेमाल कर पाओगे, बट उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है आपके बजट के ऊपर, आपके फैमिली के बजट के ऊपर क्या पड़ेगा मोरली, क्या वो आपका फोन बाय करना सही था. सपोज आपका इनकम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 50,000 सपोज आपका इनकम है, 30,000 आपका इनकम है, बट आपने फोन बाय कर लिया है 1.5 लाख रुपए का, तो मे बी आपका डिसीजन सही हो बिकॉज वो आपके बिजनेस में या किसी भी तरीके से आपको जो है बाद में काम आए. पर ओवरऑल जो आपका बजट बिगड़ेगा उसके बेसिस पे फिर आपको जज किया जाएगा कि आपका फोन लेना 1.5 लाख रुपए का, 50,000 रुपए की सैलरी आप कमा करके अगर आप 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहे हैं तो वो गलत था, मोरली वो डिसीजन गलत था, ठीक है ना. तो उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो एथिकल होना चाहिए और इसमें जो भी आपका डिसीजन होगा उससे लोगों को मैक्सिमम जो है खुशी मिलनी चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए, जो जो यूटिलिटी है वो ग्रेटेस्ट नंबर में मिलनी चाहिए. जैसे वो पिज्जा मैंने एग्जांपल दिया था ना पिज्जा वाला, कि पहली बार खाओगे तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा बिकॉज आप भूखे हो और पिज्जा थोड़ा टेस्टी तो आपको खाने में काफी मजा आएगा पहली बार, दूसरी बार थोड़ा कम मजा आएगा, तीसरी बार और कम मजा आएगा, चौथी बार में मजा नहीं आने लगेगा. क्यों? क्योंकि आपका जो है जो रिक्वायरमेंट था पहली बार में वो पूरा हो गया. सो यूटिलिटरिज्म का मतलब होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है. सो ग्रेटेस्ट नंबर में जो है उसकी यूटिलिटी होगी आपके डिसीजन की. अकॉर्डिंग टू यूटिलैटरनिज्म एन एक्शन इज मोरली राइट इफ द प्रोड्यूस इफ इट प्रोड्यूसेस मोर प्लेजर और हैप्पीनेस देन ऑल्टरनेटिव एक्शन, है ना. सो अकॉर्डिंग टू यूटिलैटरनिज्म कोई भी एक्शन जो है आपका वो मोरली राइट होगा अगर आपको मैक्सिमम उस चीज में प्लेजर मिले, रादर देन कि अगर आप कोई और डिसीजन लेते तो मतलब कोई भी ऑल्टरनेटिव डिसीजन, कोई भी ऑल्टरनेटिव एक्शन अगर आपको लेते तो आपको सपोज मैं परसेंटेज वाइज अगर बताने की कोशिश करूँ, सपोज कोई आप डिसीजन ले रहे हो जहां पे आपको 70% जो है आपको खुशी मिल रही है कि ये डिसीजन मैंने सही लिया है, बट जो बेस्ट ऑप्शन था उसमें आपको 100% मिल रहा है, तो जहां पे आपको 100% मिलेगा मोरली उसको फिर राइट बोला जाएगा, है ना. मतलब जो जितना ज्यादा आपको यू नो प्लेजर प्रोवाइड करेगा वो ज्यादा सही होगा अकॉर्डिंग टू यूटिलैटरलिज्म. एन एक्शन इज मोरली राइट इफ इट प्रोड्यूसेस मोर प्लेजर, है ना. जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उसके उसमें जो सबसे बेस्ट होगा उसको मोरली राइट बोला जाएगा. इट इम्फेसिस द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. देखो यहाँ पे इसका फोकस क्या है, यूटिलिटी के ऊपर है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, उसका यूटिलिटी आप कितने अच्छे तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. सपोज मुझे कैमरा फोन नहीं चाहिए, मुझे फीचर फोन, मेरा काम फीचर फोन में हो जाएगा. मम्मी मेरी सपोज बहुत ज्यादा फोन नहीं चलाती है, सपोज क्या वो नहीं चलाती है बहुत ज्यादा, उनका फीचर फोन में काम हो जाता है, पर अगर मैं उनको 1.5 लाख रुपए का एप्पल दे दूं तो वो किसी काम का है क्या? वो फोन मम्मी यूटिलाइज कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, नो सर सिंपल सी बात है. तो जो यूटिलिटी का प्रिंसिपल है कि आप अपनी जिस चीज को आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो, यूटिलाइज कर पा रहे हो, आपको वही चीजें बाय करनी है, वही चीज आपको लेनी है, जस्ट बिकॉज कि उसमें कोई ऑफर है, कोई स्पेसिफिक फीचर उसमें है, उसको बाय करना जरूरी नहीं होता है. आपकी यूटिलिटी पूरी होनी चाहिए, आपको खुशी मिलना चाहिए. तो यहाँ पे एथिक्स का मतलब वही है. ओवरऑल अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज एथिकल या मोरली राइट तभी होगी
जब वो आपको, और अभी अभी के टाइम में तो इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा बात की जाती है, तो आपके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी वो एक तरीके से पॉजिटिवनेस प्रोवाइड करे, वो एथिकली सही होगा। एथिक्स बिजनेस में तो होता ही है, साथ ही साथ बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं, उन सब में एथिकल चीजें होती हैं। बट बहुत सारे बिजनेसेस एथिक्स को उतना ध्यान नहीं देते, वो लोग उतना फॉलो नहीं करते, उनको बस प्रॉफिट कमाने से मतलब है, ठीक है। बट वो सिनेरियो इंडिया में चेंज हो रहा है इवेंचुअली, और आने वाले समय में और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट इम्फेसिस द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड द नोशन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। उसी बात को फिर दूसरे तरीके से बोला गया है। अदर टेलियोलॉजिकल थ्योरीज इंक्लूड एथिकल इगोइज्म, है ना, आपके अंदर ईगो तो है बट वो एथिकल होना चाहिए। ईगो को जनरली खराब माना जाता है, बट ईगो होना थोड़ा सा जरूरी भी है आपके अंदर, नहीं तो कोई भी आपको दबा के चला जाएगा। बट एथिकली वो सही होना चाहिए। जैसे कि इसके इस मामले में तो मुझे शाहरुख खान सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि शाहरुख खान बहुत रूड है देखा जाए तो, लेकिन वो एट द सेम टाइम बहुत स्वीट भी है, बहुत केयरिंग भी है, तो उसमें ईगो तो है, नो डाउट शाहरुख खान हैज ईगो, बट वो इस तरीके से खुद को मैनेज करता है, जो भी उसका ईगो है वो एथिकल है, जहां उसको वैसे करना चाहिए वहां वो करता है, ठीक है ना। सो एथिकल इगोइज्म की बात की जा रही है यहाँ पे, विच असर्ट्स दैट इंडिविजुअल शुड एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट टू मैक्सिमाइज देयर ओन हैप्पीनेस, एंड कॉन्सिक्वेंटलिज्म विच इवेलुएट्स द मोरालिटी ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स विदाउट स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर मोरल प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ पे आप एथिकल इगोइज्म में क्या बोला जा रहा है कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साधने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है उसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपको जो है मैक्सिमम खुशी मिले, है ना। ये एथिकल इगोइज्म में बोला गया। कॉन्सिक्वेंटलिज्म का ही पार्ट है एथिकल इगोइज्म। तो वहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी एक्शंस आपका होगा, मैं स्टार्टिंग में मैंने भी बोला था, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि जो आउटकम होगा उसके बेसिस पे जो है आपको एक तरीके से जज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ वही बात यहाँ पे बोली गई है, मोरालिटी ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स विदाउट स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर मोरल प्रिंसिपल, किसी पर्टिकुलर मोरल प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पे दो प्रिंसिपल हम लोगों ने किया ना, एक टेलियोलॉजिकल के अंदर ये कौन सा किया था, हाँ, यूटिलिटरनिज्म, और दूसरा था एथिकल इगोइज्म। तो एथिकल इगोइज्म के एक तरीके से उसके डेफिनेशन के साथ में कॉन्सिक्वेंटलिज्म का जो हमारा जो मेन टॉपिक है हमारा, टेलियोलॉजिकल का मतलब है कॉन्सिक्वेंटलिज्म, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका असर जो है पड़ेगा, तो दोनों को एक साथ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि बात वही है, लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मोरल प्रिंसिपल को स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना। जो यहाँ पे इगोइज्म वाला है, यहाँ पे भी तो आप डिसीजन ले रहे हो, यहाँ पे भी आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप खुद की खुशी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, एथिकल इगोइज्म कहा जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद की खुशी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है टेलियोलॉजिकल मोरल सिस्टम था। सेकेंड पार्ट है हमारा डियो डियोएंटोलॉजिकल, डियोन्टोलॉजिकल, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने में बैंड बज जा रहा मेरा, डियोन्टोलॉजिकल, या डियोन्टोलॉजिकल एथिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये ठीक उसका ऑपोजिट होगा, टेलियोलॉजिकल का ऑपोजिट, ऑपोजिट डियोन्टोलॉजिकल। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा देखूं मैं, हाँ ठीक है, ठीक है, वो मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन था, इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं। सो डियोन्टोलॉजिकल एथिकल सिस्टम, ये ठीक इसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। द डियोन्टोलॉजिकल एथिकल सिस्टम ऑल्सो नोन एज नॉन कॉन्सिक्वेंटलिज्म। देखो वहां पे वो कॉन्सिक्वेंटलिज्म था, मतलब जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसका जो आउटकम निकलेगा उसके बेसिस पे आपको जज किया जा रहा था, कि अगर पॉजिटिव निकला तो आपका डिसीजन सही था, एथिकली सही था, अगर नेगेटिव निकला तो आपका डिसीजन जो है गलत था। ये इसका ठीक ऑपोजिट होने वाला है, नॉन कॉन्सिक्वेंटलिज्म, मतलब यहाँ पे आप जो एक्शन ले रहे हो उसका क्या असर पड़ रहा है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं। सो फोकस इज ऑन द इनहेरेंट नेचर ऑफ एक्शन, जो उसका आपका इनहेरेंट है, मतलब जो चीजें आपको करनी ही करनी है। डिसीजन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको लेने होते हैं, चाहे वो उसका असर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो डिसीजन आपको लेना होता है, फॉर द टाइम बीइंग आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इनहेरेंट नेचर का एक्शन है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, रादर देन उनके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आपके एक्शंस को जज किया जाएगा बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे नहीं, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस को एकदम भूल ही जाओ यहाँ पे। डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सर्टेन एक्शंस आर इनहेरिटिंगली इनहेरिटिंगली राइट और रॉन्ग, है ना।
इनहेरेंटली राइट या रॉन्ग, कोई भी एक्शन जब आप लेने जा रहे हो तो शुरू से ही देखना, एक डिटरमाइंड एक माइंडसेट बन जाता है, सोच बन जाती है कि जो मेरा डिसीजन है वो सही है या गलत है। तो कॉन्सिक्वेंसेस तक तो बात पहुंची ही नहीं कि आपके डिसीजन के बाद क्या हुआ, लेकिन जब आप डिसीजन ले रहे हो उसी टाइम पे एक तरीके से डिसाइड हो जाता है कि आपका जो डिसीजन है वो एथिकली सही है या गलत है। तो जो उसका नेचर है, जो आपके एक्शंस का जो नेचर है, उसके बेसिस पे जो है एक तरीके से वो डिसाइड हो जाएगा कि वो सही है या फिर गलत है, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम दे प्रोड्यूस। देखो वही बात बोली गई है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या आउटकम निकलने वाला है, भले ही जो आपने डिसीजन लिया उसका आउटकम बाद में जाकर के सही निकले, हो सकता है, लेकिन आपका डिसीजन एट द टाइम ऑफ यू नो टेकिंग दैट डिसीजन, इफ इट वॉज रॉन्ग मीन्स इट वॉज रॉन्ग। डियोन्टोलॉजिकल एथिकल सिस्टम में हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग उसका इनहेरेंट नेचर के ऊपर ध्यान देंगे कि ये डिसीजन सही है या गलत है। इन डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज गाइड बिहेवियर, एक्शंस आर जज बेस्ड ऑन वेदर दे आर एडहेयर टू दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। तो डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स में क्या हो रहा है, जो मोरल प्रिंसिपल जैसे आपको पता है कि ये काम आपको करना है, ये काम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे करने से कुछ गलत होगा, तो जो चीज आपको पता है कि ये सही है या गलत है उसके बेसिस पे तो कोई भी आपको जज कर सकता है। जो प्रिंसिपल ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, ये सिद्धांत बना हुआ ऑलरेडी कि ये डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो वो सही है, एंड अगर आप इसके अलावा कुछ और ले रहे हो तो वो फिर वो गलत है। तो ये जो आपका जो डियोन्टोलॉजिकल एथिकल सिस्टम है, नॉन कॉन्सिक्वेंटलिज्म है, यहाँ पे आउटकम की बात इसलिए नहीं की जा रही, यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसके बेसिस पे ही आपको जज कर दिया जा रहा है, आपके एक्शंस को आपके बिहेवियर्स को उसी के बेसिस पे जज कर दिया जा रहा है। और ये जो एक तरीके से जो क्या है डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स, ये एक तरीके से आपको गाइड भी करता है, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं आपके बिहेवियर को गाइड भी करता है कि आपको इस तरीके से जो है डिसीजन लेना है, और उसी टाइम पे आपको पता होता है कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो सही होने वाला है या गलत होने वाला है, सही है या गलत, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यस व्हाट एवर द आउटकम कम्स लेटर ऑन दैट डजेंट मैटर, बट द फॉर द टाइम बीइंग व्हेनेवर यू आर टेकिंग दैट डिसीजन दैट टाइम इट विल बी लाइक स्टैब्लिश्ड कि जो भी डिसीजन है वो आपका सही है या फिर गलत है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे आपको उसी टाइम पे जज कर लिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका आउटकम क्या निकलता है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डियोन्टोलॉजिकल थ्योरीज इज कैंटियन एथिक्स, ठीक है ना, ये बंदे का नाम है कैंटियन एथिक्स, उसके नाम पे ही एक्चुअली ये पड़ा है। तो पहले के जमाने में वही होता था, अभी भी वही है कि कोई चीज अगर नई निकल करके आती है तो जो भी उस बंदे जिस जिस भी बंदे ने उस चीज की खोज की होती है या फिर जिस भी बंदे ने उस चीज के बारे में सबसे पहली बार बात की होती है उसी के नाम पे वो चीज जो है रखा जाता है। सो कैंटियन एथिक्स यस एक तरह का एथिक्स है जो कि इमैनुअल कांत ने या कैंट ने, जो भी हम लोग पढ़ना चाहें, उन्होंने ये दिया था। अब ये क्या है देखते हैं, मोरल एक्शंस आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ठीक है, ऐसे मोरल एक्शंस जो कि आप एक सेंस ऑफ ड्यूटी के हिसाब से कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं तो मैं आर्मी जो है हमारी इंडियन आर्मी या फिर किसी भी कंट्री की आर्मी, उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि आर्मी को देखना ना बहुत ही सख्त हिदायत होती है, उनको ऊपर से ऑर्डर होता है कि भाई ये काम आपको करना है, बाई हुक और बाई कुक यू विल हैव टू डू दिस ड्यूटी, यू विल हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पे उसका असर जो है इन फ्यूचर में जाकर के क्या पड़ने वाला है। तो ये चीज वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि जो भी उनका सेंस ऑफ ड्यूटी है, जो उनको करने के लिए कहा गया है वो आप कर रहे हो, है ना, आप लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हो, उनके उनके घरों से उनको निकाल दे रहे हो, बिकॉज मे बी वॉर होने वाला है, जैसे कि बॉर्डर में हम लोगों ने देखा था कि लोगों को जो है बॉर्डर एरिया से सेफ जगह में लेकर के जाया गया, उनके लिए वो ऑर्डर था, लेकिन जो वहां पे रह रहे लोग थे उनके लिए वो मे बी उनको ऐसा फील हो कि वो गलत था क्योंकि उनके उनके घर से उनको निकाल दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, उनकी कोई गलती नहीं, दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है, बट वी आर सीइंग दैट दे आर द विक्टिम, दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर दैट इज हैपनिंग बिटवीन टू नेशंस, बट आर्मी ऑफिसर्स के पास में या फौज के पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है, जो भी उनको ड्यूटी कहा गया है वो आपको करना है। तो जो भी आपकी ये आपका मोरल एक्शन हो गया, अब ऊपर से वो ड्यूटी है, जो भी ऑर्डर आपके पास मिला है, जो भी सेंस ऑफ ड्यूटी है वो तो आपको करना ही है ना, मोरली वो सही भी है क्योंकि आपका काम ही वो है, जो काम है उसको करने में फिर ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। खैर, तो ये यहाँ पे उस तरह की चीज की बात की जा रही है, ठीक है ना, कि इस तरह का चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मोरल एक्शन परफॉर्म्ड आउट ऑफ द
आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव. अब इसका डेफिनेशन मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा. कैटेगोरिकल इंपेरेटिव आई थिंक इसके बाद में है भी. कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को थोड़ा सा डिफाइन भी किया गया है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. देखो यहाँ पे, द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव स्टेट्स दैट वन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स दैट कुड बी यूनिवर्सली अप्लाइड विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन. है ना, देखो यहाँ पे बोला गया कि आप सेंस ऑफ ड्यूटी में तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है उसके ऊपर भी ध्यान देना है. मतलब एक ऐसा रूल, एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि हर एक कंडीशन में सही है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन उस चीज को लेकर के है ही नहीं, कोई भी दो राय उस चीज को लेकर के है ही नहीं. तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो चीज यूनिवर्सली एक्सेप्ट होगी वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वाले स्टेट में फॉल करेगी. ठीक है, मतलब वो उसको कहा जाएगा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव. मतलब जो भी प्रिंसिपल, मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन वो राइट है, किसी भी तरह से वो उसमें दो राय नहीं है कि जो आपने किया वो गलत किया या फिर सही किया. ठीक है, तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का मतलब ये होता है, इट इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल रूल्स एंड इंटेंशन बिहाइंड एन एक्शन. अब इसका ध्यान जो है ज्यादा से ज्यादा मोरल रूल्स के ऊपर होता है, और जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन था उसके ऊपर होता है, रेदर देन कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर. मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि डियोन्टोलॉजिकल में कॉन्सिक्वेंसेस का कोई वैल्यू नहीं है. यहाँ पे जो आप डिसीजन ले रहे हो एट द टाइम, जब आप डिसीजन ले रहे हो उसी टाइम पे आपको जज कर लिया जा रहा है कि आप सही हो या गलत हो. ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं. ये कांटियन थ्योरी के एथिक्स के तहत यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मोरल रूल्स एंड इंटेंशन है वो मैटर करता है. आपका अगर इंटेंशन सही है, भले ही वो गलत हो जो हो आपका डिसीजन, लेकिन आपका इंटेंशन अगर सही है तो वो मोरली वो चीज भी जो है वो सही ही होगी, वो गलत नहीं होगी. कॉन्सिक्वेंटलिज्म में नहीं, नॉन कॉन्सिक्वेंटलिज्म में. नाउ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स आल्सो एनकंपासेस अदर मोरल फ्रेमवर्क. इसमें अदर मोरल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब एक तरीके से आप रूल बोल सकते हो, रूल बुक, है ना, सच एज राइट बेस्ड एथिक्स फ्रेमवर्क. जो रूल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे. राइट बेस्ड एथिक्स, आपके क्या अधिकार हैं उसके बेसिस पे जो एथिक्स तैयार होते हैं. विच इम्फेसिस रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स एंड डिग्निटी एंड डिवाइन कमांड थ्योरी विच असर्ट्स दैट मोरल प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवाइन कमांड्स. सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तो अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैं उन सब के बारे में तो भी नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे जनरली उन सब चीजों की बात की जा रही है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बिलीफ जो है वो सही है और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस ले रहे हो, बट हो सकता है कि वो दूसरे लोगों की नजर में वो सही ना हो, गलत हो, है ना, उस तरह की चीजों के बारे में यहाँ पे बोला गया कि इसका जो मेन ध्यान है वो इंडिविजुअल राइट्स एंड डिग्निटी के ऊपर होता है, कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या सोच है, उसके ऊपर ये ज्यादा होता है. डिवाइन कमांड थ्योरी, है ना, यहाँ पे गॉड्स की बात की जा रही है, भगवानों की बात की जा रही है कि उन्होंने जो कहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप उन चीजों को एक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, आपकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, डिवाइन कमांड्स हैं, आप उनको एक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो. उसमें फिर जो है आप एक तरीके से मोरल फ्रेमवर्क, मतलब सही है, चीजें सही होंगी, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो हो ही नहीं सकता, बट डियोंटोलॉजिकल एथिक्स में मोरल फ्रेमवर्क की बात की जा रही है जो कि एक तरीके से स्टैब्लिश्ड है. डिवाइन कमांड्स, रिलीजियस बिलीफ से जो प्रिंसिपल्स निकल करके आती हैं, मोरल प्रिंसिपल्स निकल करके आती हैं, वो वेल स्टैब्लिश्ड है कि वो सही है. अलग अलग धर्मों में अलग अलग बात की गई है डिफरेंट चीजों को लेकर के, बट उसमें जो बोला गया है वो मोरली सही है, मैक्सिमम लोगों के लिए तो सही ही है. ठीक है ना, तो वो चीज यहाँ पे आ जाएगा. मतलब सपोज किसी रिलीजन में बोला गया कि आपको ये काम करना है, तो करना है मतलब करना है, वो मोरली सही है, वो लोगों का बिलीफ है वो सही है, वो सही ही है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस की बात हो ही नहीं रही है. ठीक है, आप समझ रहे हो ना इस चीज को, रिलीजियस बिलीफ्स की तरफ चला गया ये, तो यहाँ पे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता. खैर, द की डिस्टिंक्शन बिटवीन टेलियोलॉजिकल एंड डियोंटोलॉजिकल सिस्टम लाइज इन देयर फोकस. अब जो मेन डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन की अगर बात करें दोनों में क्या अंतर है इसकी अगर बात करें, तो जो इसका डेफिनेशन है उसी में समझ में आ जाएगा. टेलियोलॉजिकल में ज्यादा ध्यान कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर होता है और डियोंटोलॉजिकल में ज्यादा ध्यान जो है आपके एक्शंस के ऊपर होता है उसी टाइम, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर उसका ध्यान जो है ज्यादा नहीं होता है. इसलिए यहाँ पे बोला गया है
कि डिस्टिंक्शन बिटवीन टेलियोलॉजिकल एंड डियोंटोलॉजिकल सिस्टम लाइज इन देयर फोकस, इनका मेन फोकस के ऊपर ही इसका डिस्टिंक्शन निकल जाएगा। टेलियोलॉजिकल का मेन फोकस कहाँ पे होता है, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, एंड सीक्स टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस और यूटिलिटी, है ना। व्हाइल डियोंटोलॉजिकल एथिकल एथिक फोकस ऑन द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ एक्शन, है ना, इनहेरेंट या फिर इंट्रिंसिक जो नेचर है एक्शन का, वो सही है या गलत है, उसके बेसिस पे जो है आपको जज कर लिया जाएगा कि वो एथिकली सही है या गलत है, एंड एडहेयर टू मोरल प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज। नाउ कंक्लूड करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज एथिकल सिस्टम्स प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन मोरल डिसीजन मेकिंग एंड हैव देयर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। अब यहाँ पे वही बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि दोनों के कुछ ना कुछ फायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी मोरल डिसीजंस आप लोगे, जो भी आपका मोरल तैयार होगा, जो भी आपका एथिक्स तैयार होगा, उसके बेसिस पे जो भी आप डिसीजंस लोगे, उनके कुछ ना कुछ फायदे होंगे, उनके कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होंगे, साथ ही साथ उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। एथिकल डिस्कशन ऑफन इन्वॉल्व अ कंसिडरेशन ऑफ बोथ टेलियोलॉजिकल एंड डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स टू एसेस द ओवरऑल एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो एथिक्स के ऊपर ना कोई खास बुक नहीं है कि ये सही है या गलत है। एथिक्स जो है आपको अपने मन के अंदर से ही रेडी करना होता है, जो आप सोचते हो वही आपके लिए एथिक्स बन जाता है, कि मैं इतना करूंगा तो ये सही होगा, ये करूंगा तो ये गलत हो जाएगा। देखना, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि वो सही है या गलत है, तो ये आपका एथिक्स जो है वो अपने अंदर से ही निकल करके आता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब भी आप एथिकल डिस्कशन करें, जब भी आप ये सोचें, ये बात करें इस बारे में कि जो भी आपने डिसीजन लिया वो सही था या गलत था, तो उसमें इन दोनों फैक्टर्स को, दोनों पर्सपेक्टिव्स के बारे में सोचना होगा। टेलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना होगा और डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना होगा, और दोनों का जो आंसर निकलेगा वो राइट डिफरेंट निकलेगा, है ना। तो उसके बेसिस पे फिर आप ही को राइट डिसाइड करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है मिनट ना, तो वो चीज है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स यस इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल ओके डू सर आवर नेक्स्ट क्लास मे बी इन द मॉर्निंग इफ यू गाइस डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कल सुबह करें 8 बजे। ओके सर ओके सर नो प्रॉब्लम व्हाट अबाउट यू किशन? यस 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 ओके देन लेट्स डू इट I'm टुमारो। पीडीएफ मैंने इसका ऑलरेडी शेयर कर दिया है व्हाट्सएप पे, सो आप वहां से एक बार इसको ready. स्टडी कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ सर, इसका तो थोड़ा मीनिंग निकालना पड़ेगा, इसका ट्रांसलेट करके. हाँ, एक्चुअली याद करने में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सब वर्ड ना हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। टेरियोलॉजिकल, हाँ. डियोंटोलॉजिकल, इवन बोलने में भी प्रॉब्लम हो सर रही है। मेनली इसमें वर्ड से कुछ ज्यादा ये दे दिया कंफ्यूजिंग, मतलब होता है ना कुछ बड़ा लंबा लंबा टाइप ना। हाँ, वही है। लेकिन 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 एग्जाम में कोशिश करना है कि इन सब वर्ड्स का हम लोग यूज करें, ठीक है, हाँ हाँ सिर्फ सर इसका जरूर मीनिंग नहीं जरूर. लिखना। अगर आप वर्ड्स का यूज करेंगे, इसी से आपका आंसर जो है थोड़ा भारी हो जाएगा, जो चक्कर होगा उसको यस सर लगेगा कि नहीं इसको पता है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। टेलियोलॉजिकल का जानबूझ कौन के सा, सर, ये क्वेश्चन तो जानबूझ के आता है ना सर, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो. हाँ, अब जो कंफ्यूज लोग बहुत हाँ डिटेल में किए होंगे, जैसे हम लोग अभी बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इतना टाइम अगर हम लोग देंगे किसी टॉपिक को तो आराम से वो याद हो जाएगा, बैठ जाएगा कि दोनों का हाँ मीनिंग जैसे क्या ये है फर्स्ट टाइम हम ना? लोग सर जैसे ये फर्स्ट टाइम वर्ड सुन रहे हैं, टेलोलॉजिकल डियोन्टोलॉजिकल जो भी है ना, जियोन्टोलॉजिकल. हाँ, सो इसीलिए यस सर डियोन्टोलॉजिकल। तो ये एक्चुअली बिजनेसेस में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी वहां पे इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि हम लोग बातचीत हिंदी वाले में ही करते हैं। बट ये ना एक्चुअली स्टडी है, हाँ ये हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए इतनी बात हो रही है, प्रैक्टिकल वे में इतना यूज भी नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा नया ओके लग सर रहा है। बट एग्जाम में जब आप आंसर लिखेंगे तो फिर तो आपको यही लिखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। हाँ तो सर, वो अपने लैंग्वेज में यस लिखेंगे ना, वी विल हाँ राइट हाँ इन आवर टॉपिक बस लैंग्वेज. डियोंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल लिख देने के बाद इसका मीनिंग को आप अपने स्टाइल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली वी हैव टू चूज ये जो अपना मीनिंग लिखा है वो डालने का, बाकी अपना आंसर अपने हिसाब से. अपने हिसाब से ही लिखना है, और ये दो तीन बार आप पढ़ लेंगे तो आपका एक अपना ओवरऑल व्यू बन जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके देन फिर कल मिलते हैं। ओके सर थैंक यस यू मॉर्निंग. थैंक यू ओके सर, थैंक यू गाइस, सर, गुड नाइट. गुड नाइट, गुड नाइट।